गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों पर कमल खिलाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 17 सीटों पर ही जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। चलिए इस तस्वीर के जरिए 2017 विधानसभा चुनाव नतीजों और 2022 चुनाव के नतीजों को समझिए। 2017 विधानसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 57 सीटों का फायदा हुआ है और उसने 156 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 2017 में शानदार प्रदर्शन कर 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार निराशा हाथ लगी है और पार्टी को 60 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें ही गईं। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार के चुनाव में सियासी दलों को कितना वोट शेयर मिला है। 2017 चुनाव में 48.8% वोट पाने वाली बीजेपी को इस बार 52.5% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में 41.7% वोट हासिल किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस को 27.3% वोट ही मिले। वहीं 2017 में महज 0.1% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार 12.9% वोट हासिल किया है। अन्य उम्मीदवारों को 2017 की तरह इस बार भी 4.3% वोट से ही संतोष करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।